सुरेश फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको यहाँ पर अगले हफ्ते इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। अब यहाँ पर कुल 10 स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि अगले वीक लॉन्च होने वाले हैं। मतलब अब कौन कौन से स्मार्टफोन है, किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आने वाले हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि आज संडे है। फिलहाल यहाँ पर आज हमारे चैनल पर क्यू एन ए वीडियो आती है, तो क्यू एन ए वीडियो मैंने स्किप कर दिया है और यहाँ पर आज हम लाइव क्यू एन ए करने वाले हैं। लाइव क्यू एन ए होगा शाम के 5 बजे, तो आप स्टे ट्यून रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं और शाम के 5 बजे हम यहाँ पर क्यू एन ए वीडियो लाइव करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करता हूँ आपसे यहाँ सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर निकल कर आता है एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से जो कि अपना बल्क में स्मार्टफोन लॉन्च करने की सोच रही है। दोस्तों, यहां पर बात कर रहा हूं नोकिया की। नोकिया बहुत जल्दी इंडिया में अपने काफी सारे स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। यहां पर पूरे 5 नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं नोकिया की तरफ से। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है यहां पर नोकिया C20। नोकिया C20 बेसिकली जितने भी स्मार्टफोन है वो यहां पर आपको बजट रेंज में देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि 10,000 रुपए के आसपास की प्राइस में ये सभी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। नोकिया C20, नोकिया G10, नोकिया G20, नोकिया X10, नोकिया X20। तो ये पूरे 5 स्मार्टफोन है जो कि नोकिया की तरफ से लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। अब यहाँ पर देखते हैं आखिर ये जो स्मार्टफोन है वो कितने अपग्रेडेड होते हैं। यार, ये लोग अब लॉन्च करते हैं स्मार्टफोन 2021 में लेकिन फीचर्स होते हैं 2017 और 16 के स्मार्टफोन के, तो इसी की वजह से ये जो स्मार्टफोन है उतने अच्छे नहीं चल पाते हैं और इनकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा होती है इनके स्मार्टफोन के फीचर्स के अकॉर्डिंग, इसीलिए इनका जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। अब दोस्तों, आपका क्या ख्याल है नोकिया के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करता हूं आपसे पर अगले स्मार्टफोन के बारे में। अगला जो स्मार्टफोन है फिलहाल यहां पर आने वाला है माइक्रोमैक्स की तरफ से। यहां पर माइक्रोमैक्स भी इंडिया में अपने काफी सारे स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। यहां पर माइक्रोमैक्स के कुछ 2 नए स्मार्टफोन ऑनलाइन स्पॉट भी हो चुके हैं और ये जो स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च होने वाला है, पहला जो स्मार्टफोन है वो है यहां पर माइक्रोमैक्स N2B और दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है यहां पर माइक्रोमैक्स N2C। तो ये 2 स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स के लॉन्च होने वाले हैं। एक स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर यूनिसो का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एक स्मार्टफोन में भी आपको यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G35 का जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो ये पूरी डिटेल है। अब ये भी स्मार्टफोन अगले ही वीक में यहाँ पर मे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इंडिया में और ये जो स्मार्टफोन वो भी आपको 10,000 रुपए के ही प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। 10,000 रुपए से कम की प्राइस पर ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं। स्टार्टिंग में तो अच्छे स्मार्टफोन को लाए 11,000-12,000 रुपए की प्राइस पे, लेकिन अब फिर से मुझे लग रहा है कि ये लोग पुराने वाले अपने जमाने में जा रहे हैं। जिस टाइप से ये लोग पहले स्मार्टफोन लाते थे, अब इन लोगों ने यूनिसो का प्रोसेसर यूज करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट कम से कम क्वालकॉम और मीडियाटेक पे ही रहते तो थोड़ा बेटर था, लेकिन अब इन लोगों ने यूनिसो का प्रोसेसर यूज करना शुरू कर दिया। आपका क्या कहना है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करता हूं आपसे पर अगले स्मार्टफोन के बारे में। अगला जो स्मार्टफोन है वो फिलहाल यहां पर निकल जाता है टेक्नो की तरफ से। दोस्तों, यहां पर टेक्नो फैंटम एक्स ये जो स्मार्टफोन है वो भी यहां पर लॉन्च होने वाला है जुलाई के महीने में। ये चीज 100% कंफर्म हो गई है और मे बी नेक्स्ट वीक ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाए। इस स्मार्टफोन में जो फीचर्स है वो काफी दमदार दिए गए हैं। हीलियो G95 का चिपसेट है, उसके साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में, साथ यहां पर आपको 33 वाट का जो चार्जर वगैरह है वो भी देखने को मिल जाता है। तो स्मार्टफोन काफी अच्छा आने वाला है टेक्नो की तरफ से। अब देखना ये होगा कि किस प्राइस पॉइंट पर ये लोग स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करते हैं और प्राइस पे ही इनका जो पूरा मैटर है वो डिपेंड करता है, क्योंकि इनके स्मार्टफोन की जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी ओवर प्राइस हो जाती है जिससे ये जो स्मार्टफोन है उतने अच्छे नहीं चल पाते हैं अच्छे फीचर्स होने के बावजूद भी। तो आपका क्या कहना है टेक्नो के बारे में, क्या आप यहाँ पर टेक्नो के स्मार्टफोन को परचेस करना प्रेफर करते हैं, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करता हूँ आपसे यहाँ पर अगले स्मार्टफोन के बारे में। अगला जो स्मार्टफोन है फिलहाल यहाँ पर निकल जाता है इन्फिनिक्स की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर इन्फिनिक्स भी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और ये जो स्मार्टफोन है वो नेक्स्ट वीक में भी आपको यहाँ पर पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। इन्फिनिक्स 0X स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है, इसकी जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है, टीजर पेज भी आ चुका है। ये जो स्मार्टफोन है वो इन्फिनिक्स का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इसमें आपको 160 वाट का जो चार्जर है वो देखने को मिल जाएगा, 50 वाट का वायरलेस चार्जर यहां पर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, आपको यहां पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। बाकी स्मार्टफोन की डिजाइनिंग भी ठीक ठाक है। अब देखना होता है कि इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर कौन सा होता है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं कि हीलियो G95 का प्रोसेसर ना हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि टेक्नो फैंटम एक्स स्मार्टफोन में भी G95 है, तो इन्फिनिक्स 0X स्मार्टफोन में भी आपको G95 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस पॉइंट काफी अच्छी रही इस स्मार्टफोन की तो
तो ये जो स्मार्टफोन है ऑब्वियसली काफी अच्छा निकल करके आने वाला है। दोस्तों बात करता हूँ अगले स्मार्टफोन के बारे में और हमारे लास्ट यानी 10th स्मार्टफोन के बारे में। तो 10वां जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर निकल रहता है रियलमी की तरफ से। रियलमी भी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और ये जो स्मार्टफोन है वे भी आपको नेक्स्ट वीक या फिर उसके अगले वीक में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंडिया में। ये जो स्मार्टफोन है वो रियलमी का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है जो कि आपको 7000 रुपए की प्राइस पे देखने को मिलने वाला है। मैंने कल आपको बताया भी था। तो अगर आपने ये वीडियो जाकर के नहीं देखी है तो आप चैनल पे वीडियो है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन भी इंडिया में नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरे स्मार्टफोन है जो कि यहां पर आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाले हैं। अब आपका क्या कहना है इन स्मार्टफोन के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों ये था कुछ वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।